फारिया से शादी जिन हालात में हुई मैं कुछ नहीं कर सकता था। सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे उससे निकाह करना पड़ा। और अल्लाह जानता है मेरी मेरी नीयत साफ थी। मुझे लगता था फारिया एक अच्छे खानदान की लड़की है। जब भी मैं घर वालों को ये सारी बात बताऊंगा तो वो उसे कबूल कर लेंगे। लेकिन फिर उसकी हरकतें आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आने लगी और मैंने उसे तलाक दे दी। मगर भाई एक साल हो गया था आपकी शादी। इतना अरसा क्या सिर्फ आप यही सोचते रहे कि दादू को घर वालों को बताऊं या ना बताऊं? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। काश मैं फारिया से तुम्हारी शादी होने से पहले मिल चुका होता। मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद ना होने देता, क्योंकि मैं उसके इसलिए जानता था कि वो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान बना सकती है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तब तक तुम दोनों का निकाह हो चुका था। मुझे लगा फारिया अब सुधर जाएगी, क्योंकि उसे शौहर का नाम और खानदान की इज्जत मिल जाएगी जो मैं ना दे सका। लेकिन अफसोस जैसी लड़कियां कभी नहीं सुधरती।